बेशक साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू इस समय सियासत विच एक्टिव नजर नहीं आ रहे, पर फिर भी वो किसी न किसी कारण लगातार सुर्खियां विच बने हुए ने। दिल्ली विधानसभा चोणां लई कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकां दी सूची विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते नवजोत सिंह सिद्धू नूं शामिल कीता सी। कैप्टन तां प्रचार लई दिल्ली गए, पर नवजोत सिंह सिद्धू ने हाईकमान दे निर्देशां दे बावजूद दिल्ली चोणां तों दूरी बनाई रखी। पर हुण सिद्धू दे दिल्ली चोणां दे प्रचार तों दूरी दा जिहड़ा कारण सामने आया है, उस कारण सिद्धू खबरां विच ने। दस्या जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ज्योतिष माहिरां दी सलाह ते ही प्रचार तों दूरी बनाई रखी। सूत्रां अनुसार ज्योतिष माहिरां ने सिद्धू नूं दस्या कि दिल्ली विच चोण प्रचार कारण उन्हां नूं कोई फायदा नहीं होवेगा, इस लई ओह प्रचार ना करन। उधर इस खबर दे फैलदियां ही विरोधियों ने सिद्धू बहाने कांग्रेस नूं घेरना शुरू कर दिता। श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे अते सीनियर आगू डॉक्टर दलजीत चीमा ने कहा कि सिद्धू नूं पता सी कि कांग्रेस इस वार भी खाता नहीं खोल सकेगी, इसे कारण वो दिल्ली प्रचार लई नहीं गए। देखो गल ये है कि डुबदी बेड़ी च कोई भी बह के राजी नहीं होता। सारी कांग्रेस नूं पता सी कि एक भी सीट सानू दिल्ली च नहीं होगी, इस करके हार की जिम्मेवारी अपने सिर कौन लाऊगा। राहुल गांधी ने बड़ी मुश्किल नाल हाजिरी लाउण वास्ते दो रैलियां कीतियां, प्रियंका गांधी ने बड़ी मुश्किल नाल दो रैलियां कीतियां, हाले कोई दिल्ली दे विच सीगे। ते सिद्धू साहब नूं भी पता है कि जदों उन्हां दे लीडर डरदे चोण कंपेन च नहीं वड़दे कि हार साडे मत्थे लगनी है, तो वह हार का चिकर अपने सिर क्यों भन्नूगा। इन्हां नालों इन्हां कोई समझदार तो भी है, इस करके जदों जित हो रही होंदी है उदों सारे भजदे आ, ते जदों बाजी उल्टी पैंदी है फिर सारे मैदान छड्ड के भजदे। हुण मैदान छड्ड के कांग्रेस दिल्ली दे विच भजदी। उधर नवजोत सिंह सिद्धू दे हाथ विच आए कांग्रेस दे सीनियर आगू डॉक्टर राजकुमार वेरका ने विरोधियों नूं घेरदियां कहा कि सिद्धू दा नां लैके कुछ सियासी आगू अपनी दुकानदारी चला रहे ने, ता कुछ नूं सिद्धू फोबिया हो चुका है। देखिए मुझे नहीं मालूम कि वो किसके कहने पे गए किसके कहने पे नहीं गए, मैं इतनी बात जानता हूँ कि हर इंसान की अपनी विशेषताएँ होती है, कोई आदमी बिजी हो सकता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि विरोधियों की वो आदत पड़ गई है, उनको सिद्धू फोबिया हो गया है, और बहुत से लोग अपनी TRP बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि भैया 40 जो स्टार प्रचारक थे हमारे दिल्ली के अंदर, उनमें से 20 लोगों ने प्रचार नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पार्टी के से खफा हैं या पार्टी के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है ये बेतुकी बातें हैं, कुछ लोगों को आदत पड़ गई है कि सिद्धू के खिलाफ ऐसी बातें करना। लोकसभा चोणों तो बाद बेशक हुण भी नवजोत सिंह सिद्धू ने एक्टिव पॉलिटिक्स तो दूरी बनाई हुई है, पर विरोधी आज भी सिद्धू ते जुबानी हमले करन तो पीछे नहीं हट रहे। उधर नवजोत सिंह सिद्धू दा मीडिया तो दूरी बना के चलना भी एक सोची समझी रणनीति मनिया जा रहा है। दिल्ली चोणों के नतीजियों तो बाद की नवजोत सिंह सिद्धू सियासत विच वापसी करनगे जां पहलां दी तरह वो अज्ञातवास विच ही रहनगे, इस ते मीडिया अते आम लोकां दीआं नजरां लगातार टिकियां होईआं ने। अमृतसर तो सुखचैन सिंह, चंडीगढ़ तो दर्शन सिंह खोखर, न्यूज डेस्क तो ब्यूरो रिपोर्ट। गर्व पंजाब TV रखे सब दा ध्यान।